ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सी, लास्ट वीडियो में हमने ये सम किया था कि हमने 90 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो देखा था, एंड देन आखिर में हमने ये सम देखा था कि इस 2352 परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि 2352 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हमने 2352 के फैक्टर्स लिए थे और उसको अरेंज किया था लाइक 2 × 2, 2 × 2, 7 × 7 और 3, राइट। एंड वी सॉ के 3 यहाँ पे अकेला पड़ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। देन इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, देखो यहाँ पे वर्ड क्या था, मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी वी सॉ के एक 3 यहाँ पे कम है तो हमने यहाँ पे दूसरा 3 दिया तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बाजू हमने इंटू 3 मल्टीप्लाई किया एंड नाउ दिस बिकम्स 2 × 2 × 7 × 3 दैट इज इक्वल टू 84 का स्क्वायर। और ये इंटू 3 यानी 2352 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 7056। सो 7056 इज 82 स्क्वायर। नाउ दे से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, यानी यहाँ पे क्या था, वी मल्टीप्लाई बाई 3 तो वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सेकेंड पार्ट था फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सो मल्टीपल शुड बी 3, राइट। देन दे से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, सो 7056 का स्क्वायर रूट इज 84 का स्क्वायर रूट, 84 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू 84। यही बेस पे हम यहाँ पे सम दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 this number must be divided। तो यार ये वर्ड यहाँ पे डिविजन का वर्ड है, राइट। उस समय मल्टीप्लाई था, बाकी सब सेम। सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। सो फर्स्ट आई डू 9408, मैं उसका फैक्टर्स ले लूंगा। सो आई हैव 2, बिकॉज 8 है ना तो 2 से होगा, 2 × 4 = 8 कैरी 1 दे 14 हुआ, 2 × 7 = 14 ये 0 और 2 × 4 = 8 चलो अगेन 4 है तो 2 से डिवाइड होगा 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 कैरी 1 दे 2 × 5 = 10 2 × 2 = 4 अभी भी 2 है तो और अभी 2 से होगा 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 कैरी 1 दे 1 दे 2 × 7 = 14 कैरी 1 दे 2 × 6 = 12 6 है तो 2 से होगा अगेन 2 × 5 = 10 कैरी फॉर 1 17 2 × 8 = 16 कैरी फॉर 1 2 × 8 = 16 नाउ 588 अभी भी 2 से होगा 2 × 2 = 4 कैरी फॉर 1 दे तो दिस 18 तो 18 × 2 = 9 = 18 एंड 2 × 4 = 8 अभी भी 2 से होगा 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8 एंड 2 × 7 = 14 चलो नाउ 2 से तो होने वाला नहीं है, लास्ट 7 है, चलो 3 से चेक करें तो 7 × 4 = 11 11 × 1 = 12 12 3 के टेबल में आता है तो 3 × 4 = 12 कैरी ओवर 2 दे 27 3 × 9 = 27 एंड 49 तो अभी नो 7 के टेबल में ही आता है तो 7 × 7 = 49 सो आवर सम नाउ बी राइट एज 9408 कैन बी रिटन एज यू कैन सी ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये दूसरा 2 का पैर बन गया, ये और एक 2 का पैर बन गया, देन ये 7 का पैर बन गया, देखो 7 स्क्वायर है और बेचारा 3 यहाँ पर अकेला पड़ गया है। तो अभी देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड है ना तो सिंपल वही करेंगे। देयरफॉर 9408 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वही करेंगे 2² × 2² × 2² × 7² × 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे सो ये 3 तो निकल गया। सो व्हाट रिमेन्स नाउ 9408/3, चलो इसको करते हैं रफ में, 9408 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9 0 चलो 4 लाया 3 × 1 = 3 1 रिमाइंडर ये 0 नीचे लाए 3 × 3 = 9 1 रिमाइंडर नीचे 8 लाए 3 × 6 = 18 सो आवर क्वेश्चन इज 3136 सो लेट दिस राइट डाउन अप योर 3136 इज इक्वल टू अभी देखो ये 2 × 2 × 2 × 7 का पूरा स्क्वायर है ना चलो इसको रब करके
now we take up. So 3136 now is equal to kiska square hai? 2 2 4 2 8 8 7 56 ka square. So therefore abhi root of 3136 is square root of 56 ka square. So therefore square root of 3136 is now equal to 53. You see, yani humne 3 se divide karenge. So first question kya tha, by which smallest number must 3408 be divided? So it should be divided by 3, right? Yahan pe we can write ki we divide by 3, we can write up here to make it a perfect square, and then find the square root of the quotient. Okay, so this is the answer. Chalo abhi ek aur sum dekhte hain. The next question is, find the smallest square number, dekho hame perfect square dhoondna hai, which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. Right? So 6 se divide ho aisa number chahiye, 9 se divide ho aur 15, tino number se divide ho aisa square number chahiye, but perfect square number chahiye. To pehle kya karenge, 6, 9 aur 15 ka LCM lenge. To main abhi, I'll take the factors of 6, 9 aur 15 kam factors lenge, right? Dekho, 6 2 se ja raha hai, to 2, 3 is a 3 to 9 nahi ja raha, sorry 9 nahi ja raha hai, to aise hi 9 aayega na, sorry 9 will come just like that. And same way 15 bhi 2 se divide nahi ho raha, we carry forward. Now 2 se koi nahi ja raha hai, lekin 3 se ja raha hai, 3 1 za 3 3 za 3 5 za, same thing ab dekho, 3 yahan pe 1 ho gaya, yahan pe 3 1 za 3 5 carry forward, 5 ye 1 hai, ये 1 है और ये 5 1 जा 5. सो LCM ऑफ 6 9 एंड 15 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज हाउ मच, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 5 जा 90. सो therefore 90 जो है वो we can write as 2 into 3 into 3 into 5, right? 96 से भी divide होगा, देखो 96 से divide हो रहा है, 99 से भी divide हो रहा है, और 90 15 से भी divide हो रहा है. You can see ना, 90 को मैं 6 से divide कर सकता हूँ, 90 को मैं 9 से divide कर सकता हूँ, and 90 को मैं 15 से भी कट आउट. देखो 6 15 जा 15 6 जा एंड 9 10 जा, तीनों में 90 आ रहा है. सो बेसिकली 90 तो तीनों से डिवाइड हो रहा है. देखो 90 कैन बी डिवाइडेड बाय 6 9 15. तो अगर ऐसा होता, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15, तो आंसर आ गया 90. लेकिन यहां पे क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दिया है ना. सी वी आर गिवन स्क्वायर नंबर, यानी ये तो स्क्वायर नहीं है ना, 90 तो स्क्वायर नहीं है. यू सी 3 का तो पैर है, 2 और 5 का पैर नहीं है ना. तो नाउ आई विल राइट देयरफॉर, राइट, सो वी कैन सी 90 इज डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15, but it is not a perfect square. So to find, so we find now 90 ke saath kya number karenge to perfect square banega. So therefore now we do 90 mein yahan pe equal to, you can see ye 2 hai into ye 3 square hai aur into 5, itna hi diya hai na. अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर करना हो या परफेक्ट करना है, तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस वाई बाय 1 2, तो देखो ये 2 का पैर बन गया एंड 1 5, राइट, तो ये 5 का पैर बन गया ना. सो देयरफॉर 90 इंटू 10 हुआ ना, ये 900 बन गया. देखो 900 इज इक्वल टू 2 3 और 5 सब का पैर बन गया ना,
900 इज इक्वल टू 2 3 6 5 30 का स्क्वायर. सो नाउ 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. सो आंसर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 and 15 इज 900. राइट, तो 900 परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये तीनों से डिवाइड भी होगा. ओके फ्रेंड्स, अभी देखो, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.3. कुछ सम्स थोड़ा बहुत देख लेते फटाफट. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. देखो 9801 का मैं स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट 2, तो यू कैन सी 1 हो, राइट. तो 1 स्क्वायर में कब आता है, जब यूनिट डिजिट में 1 हो या 9 हो ना. देखो 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 आता है ना, तो 1 एंड 9 पॉसिबल है. 6 में देखो कौन सा पॉसिबिलिटी है, 4 का है और 6 का है. देखो 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो ही पॉसिबल है ना. सेम वे देखो 1 है तो क्या होगा, सेम आगे आ गया 1 और 9 एंड 25 है तो सिंपल 5 ही होगा ना. इसका स्क्वायर रूट में वन्स डिजिट में 5 ही होने वाला है, और कोई ऑप्शन नहीं होगा. Now, without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. So now we know ke unit digit mein 2 ho, 3 ho, aur kaun sa hai? 7 hai, aur 8 hai ra? 1, 2, 7, 8, then single 0 hai, aur 5 hai, jis mein agar 2 nahi ho, to wo perfect square nahi hai na. To dekho, ye 3 hai, to not a perfect square na. It is not a perfect square. 257, 7 है तो not a perfect square. 408, 8 है तो not a perfect square. Find the number which is surely not perfect square. ये तो हो सकता है. Net, this is a perfect square. Because 441 is 21 का square, right? तो it is a perfect square. यानी ये तीन तो perfect square है ही नहीं, because unit digit is 3, 5 और 8, जो no, नहीं होना चाहिए ना. Then find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. So, मैं आपको वापस वो method revise करा देता हूँ. Repeated subtraction meaning हम क्या करेंगे? See something like this. देखो ये sum में देखो 64 का square root ढूँढना है by repeated subtraction. तो मैं क्या करेंगे? Odd numbers 1 से चालू होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Odd numbers को subtract करेंगे जब तक remainder 0 आएगा. तो देखो हमने 64 minus 1 is 63, 63 minus 3 60, 60 minus 5 55, 55 minus 7 48. ऐसे करके हमने subtract करते गए odd numbers increasing order में. जब remainder 0 आया तो PRC number ये 8वां step में 0 आया ना, इसका मतलब है 64 का square root is 8. ऐसे ही देखो 100 का करेंगे तो we'll find के 10th step में ये remainder 0 आएगा, यानी 100 का square root 10 होगा. ऐसे करके हम इसको ये दोनों सम को हम सॉल्व करेंगे. सी दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग. द नेक्स्ट सम विच इज गिवन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगेन आई जस्ट रिवाइज वन सम विथ यू एंड देन आप ये सम ट्राई कर. सी वी हैव लर्न अर्लियर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड. तो हमने क्या किया था, 324 का फैक्टर्स लिया प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टर्स लिए. देन ये 324 को ऐसे ही पूरा जो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, देन दो दो का पैर बना दिया, एवरी टू का पैर ऐसे बना, वो उनको स्क्वायर को कॉमन ले लिया एंड 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, दैट इज 18 स्क्वायर. सो नाउ विल राइट 324 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर. देखो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 18, यानी यहाँ पे रूट और स्क्वायर निकल रहा है. सेम थिंग देखो 6400 का फैक्टर्स दिया था, राइट, उसको दो दो के पैर में लिया, यानी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर सबको कॉमन लिया, तो ये 2 इंटू 2 4 2 जै 8 2 जै 16 फिक्स 5 जै 80, तो 80 का स्क्वायर. देयरफॉर 6400 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 80 स्क्वायर, दैट इज 80. तो दिस सम्स वी सी वी सॉ
Now look at this sum. For each of the following numbers, find the smallest whole number. Find the smallest whole number which should be multiplied. देखो यहाँ पे multiply का sum है. So as to get a perfect square number. Then also find the square root of the number, square number so obtained. चलो again revise करते हैं. See, we had seen this sum. Is 2352 a perfect square? If not, find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square and find the square root of the new number. तो हमने 2352 का factors लिया, उसको arrange किया, उसको pair में बनाया and we find कि ये एक number कम है. Right? तो 2352 perfect square तो नहीं है. लेकिन अभी इसमें अगर एक 3 और multiply करेंगे, देखो 2352 में एक 3 multiply करेंगे, तो ये 2 square, 2 square, 7 square and देखो ये 3 square भी हो गया. तो 2352 into 3 का आंसर क्या 7056 is equal to now 2 into 2 into 7 into 3 का whole square that is 84 square. Therefore 7056 का square root is 84 square का 7 square root that is 84. यानी ये हमने पूरा सम देखा, ये मल्टीप्लीकेशन का सम था. And for which of the following numbers find the smallest whole number with which it should be divided so as to get a perfect square and also find the square root of the square number so obtained. ये हमने ये वीडियो में हमने इसको भी देखा. Let's फिर भी एक बार नजर कर लेते हैं. See, sum number 7 we did. Find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square and find the square root of the quotient. तो first हमने 9408 के factors लिए, prime factors. वापिस 9408 को pair के form में देखो, 2, 2, 2, 7 के दो pair और 3 उसके फॉर्म में लिखा. नाउ 3 ज्यादा है ना, यहाँ पे 3 इज मोर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे. तो 9408 को 3 से डिवाइड किया, ये पूरा नंबर को 3 से डिवाइड किया, ये 3 कैंसिल हुआ. 9408 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3136 आएगा. तो 3136 नाउ इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 7 का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 56 square. अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 56 square. सो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर का निकल गया. So 3136 का square root is now 56. So based on all the sums we revise, आपको यहाँ तक आपको practice कर देना है. Okay, till number 6. Sum number 7, 8, 9, 10. I'll show you what to do. It's very simple. ये भी हमने किया है देखो. This also we have done. We'll just see again in the next video. But in the next video we'll talk of it. And then we'll do a new method of doing this sum. So in the next video हम ये चार सम के बारे में देखेंगे एंड देन हम नया मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.